सैदनंगली कस्बे में अतिक्रमण हटाने को लेकर व्यापारियों एवं पुलिस में हुई नोकझोंक। 100 रुपए का चालान काटने पर व्यापारियों ने किया पुरजोर विरोध। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के थाना क्षेत्र सैदनंगली कस्बे में अतिक्रमण हटाने को लेकर व्यापारियों एवं पुलिस में नोकझोंक हो गई। व्यापारियों ने 100 रुपए का चालान काटने का किया पुरजोर विरोध। बता दें कि शनिवार को दोपहर बाद थाना क्षेत्र सैदनंगली कस्बे में पुलिस द्वारा अतिक्रमण अभियान चलाया गया, जिसमें व्यापार मंडल अध्यक्ष पंचू अग्रवाल ने मौके पर पहुंचकर बताया कि सूचना मिली थी कि पुलिस द्वारा फलों एवं चाट के ठेले के चालान काटे जा रहे थे, जबकि नगर पंचायत बनने के बाद ठेले आदि का 10 रुपये शुल्क जा रहा है और वह भी अगर आने वाले समय में कोई व्यापारी नगर पंचायत अध्यक्ष बना तो वह भी माफ़ कराया जाएगा। जिसका विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि इस फुटपाथ पर चौकी से लेकर शोरूम तक बने हुए हैं, लेकिन उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ता है और इन गरीब के पेट डाका डाला जाता है। वहीं पुलिस ने चेतावनी देते हुए चालान काटने बंद कर दिए। इस दौरान मौके पर पुलिस एवं व्यापारी के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई। व्यापारियों ने कहा कि ठेले वाले, चाट वाले और मोची आदि को जो भी आता है उन्हीं को परेशान करता है। अब कोई परेशान करेगा या आगे भी इसमें किसी ने जबरदस्ती की तो व्यापार मंडल धरना प्रदर्शन कर चक्का जाम तक करेगा और आंदोलन भी करने के लिए बाध्य होगा। साथ ही उन्होंने ठेले स्वामियों को भी चलते फिरते कार्य करने के लिए कहा है। इस अवसर पर बहुत से ठेले स्वामी एवं व्यापारी लोग मौजूद रहे। जब इस संबंध में सैदनंगली थाना अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सड़क किनारे लगे फलों, चाट, पकौड़ी के ठेले आदि का दफा 34 के अंतर्गत चालान काटे गए हैं। बताइएगा, मुझे सूचना आई मेरे व्यापारी के ठेले वालों के द्वारा कि पुलिस 100-100 रुपए के चालान काटे। अध्यक्ष होने के नाते मेरे को दायित्व बनते हैं। मैं गया, मैंने पूछा भाई क्या बात है, आप किस बात के चालान काट रहे हो? कि बोले सब काट रहे हैं, ये लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। मैंने भाई यहाँ पर नगर पंचायत का निर्माण हो चुका है और मासिक शुल्क इनका 10 रुपये रहता है और निकट भविष्य में कोई व्यापारी इनका कोई चेयरमैन बना तो हो सकता है वो तो शुल्क माफ़ होगा, व्यापारी पर कोई भी अधिभार नहीं लगाया जाएगा। तो हमने यही बात कही कि भाई ठीक है, गरीबों से क्या फ़ायदा, अतिक्रमण हर आदमी कर रहा है। इस फुटपाथ में चौकी से लेकर के शोरूम तक बने हुए हैं, उन्हें कोई कहने वाला नहीं है। आते हैं जो भी आता है वो आकर के ठेले वालों को, ट्री वालों को, रिक्शा वालों को, इन लोगों को परेशान करते हैं, मौजियों को, जो मतलब दीनहीन है। हम उसका विरोध करते हैं। हमने कहा स्पष्ट कि आप ऐसा कोई कृत्य नहीं करेंगे जिससे हमारा गरीब 100 रुपये की 200 रुपये की मजदूरी करने वाला पूरे दिन में सुबह शाम तक वो करता है, 100 रुपये आप उससे रसीद काट के ले जाओगे तो वो कैसा काम करेगा भाई, अपने बच्चों क्या लिया करेगा। हम पुरजोर विरोध करते हैं और अगर इसमें पुलिस ने हठधर्मिता दिखाई तो उसके खिलाफ व्यापार मंडल आंदोलन करेगा, चक्का जाम करेगा, नगली का बाजार बंद होगा और फिर भी अगर नहीं माने तो उसकी आगे तक सुनवाई करी जाएगी। किसी गरीब दुकानदार का कोई भी उत्पीड़न, वो चाहे चालान के रूप में हो, बेइज्जती के रूप में हो, वो नहीं होने दिया। ये हमारा इसमें क्या है, मैं यहाँ का चुना हुआ जयपुर व्यापार मंडल का, आप हमें बताएंगे, आप हमसे कहेंगे कि आपके व्यापारी अगर आप नहीं करवाया प्रथम टीवी न्यूज इंडिया के लिए सैदनंगली से बिलाल बाकरी की रिपोर्ट।